करके अभी हमारे डीसीपी साहब ने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस किसी लैंग्वेज में आप काम करते हैं, इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हो, उर्दू में करते हो, तेलुगु में करते हो, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जब आपकी जुबान पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप देखने में कैसे हैं, आपका रंग कैसा है, पर्सनालिटी से उसका मतलब नहीं है। पर्सनालिटी से मतलब दूसरे इंसान की अहमियत कैसी है। फलकनुमा और उनके पूरे टीम के तरफ से और साथ में हमारे 20 से ज़्यादा हैदराबाद की बड़ी कंपनियां, ये लोग सब मिलकर पुराने शहर में आज यहां फलकनुमा लिमिट में जॉब कनेक्ट का एक ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसमें यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि लगभग 4000 बॉयज़ और गर्ल्स ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 20 से ज़्यादा कंपनी हमारे एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 900 या 1000 जॉब आज ज़रूर ऑफर होगा। ऐसे मौके पे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि लगभग 40-45% जो स्टूडेंट्स हैं वो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, और आज जो हैदराबाद का ये डेवलपमेंट हो रहा है, आज जो हर जगह दुनिया में चर्चा हो रही है हैदराबाद के इम्प्रूवमेंट की, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, यह देखकर और भी अच्छा लगता है माहौल। ख़ास करके हमारे कुछ कंपनीज़ जो स्पेशल इम्फेसिस कम्युनिकेशन पर दे रहे हैं, तो उन्होंने उनके तरफ से भी जो कमेंट आया कि ख़ास करके जो लड़कियां आजकल जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से नए साल पर 2019 में यह सबसे पहला जॉब कनेक्ट मेला साउथ जोन में शुरू हुआ, जिसके लिए साउथ जोन के डीसीपी अंबर किशोर झा, एसीपी फलकनुमा और उनके पूरे टीम मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरीके से हमारे सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज यहां इकट्ठी हुई हैं, उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में फरवरी महीने में, जहां तक मुझे लगता है कि सेंट्रल जोन में इसी तरीके का इवेंट होगा और बाई रोटेशन हैदराबाद के सभी फाइव जोन्स जो हैं वो हर जगह ये जॉब कनेक्ट मिला होगा। पुलिस डिपार्टमेंट सिटीज़न फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए जो अपना कमिटमेंट हमेशा दिखाती रही है, उस कमिटमेंट लेवल को हम और भी ऊपर ले जाएंगे, और ऐसे मौके पे फुल पब्लिक सपोर्ट, फुल कॉरपोरेट सपोर्ट और फुल डिपार्टमेंट सपोर्ट, ये तीनों मिलकर हम लोग हिंदुस्तान को ही नहीं दूसरे देशों को भी दिखाएंगे कि मिलजुल कर यूनिटी के साथ काम करने से स्काई इज़ द लिमिट, और आने वाले समय में कम 1,00,000 जॉब का टारगेट है कि पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग कंपनीज़ के साथ मिलकर हैदराबाद शहर में क्रिएट करेंगे। एक जॉब मिलने से केवल एक जॉब, एक व्यक्ति, एक किसी इंडिविजुअल का जॉब नहीं है, इससे पूरी परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन सब चेंज होती है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि सोसाइटी में खुशहाली आती है, वेल्थ क्रिएशन होता है। आज की तारीख में हैदराबाद इज़ द सेंटर ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द कंट्री। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आ रही हैं शायद किसी शहर में नहीं है। आने वाले वक्त में हैदराबाद को हम लोग उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां हिंदुस्तानी नहीं बाहर के सभी बड़े टैलेंट रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए यहां आएंगे, और हम लोग मिलकर हैदराबाद को